बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुआ है आपका भाई, जिसका नाम है मूली पालक। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, हमने धनिया लिया है थोड़ा सा, एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, एक टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, 7-8 ग्रीन चिली ली है, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून कड़ी पाउडर लिया है, नमक डालेंगे हसबे जायका, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 2 गुटी हमने पालक की ली है, 1/2 किलो हमने मूली ली है जिसको हमने बॉयल कर लिया है, क्योंकि ये बेमौसमी मूली है, ये कड़वी बनती है, इसको आप बॉयल कर लें लहसुन के 1-2 जवे डाल के तो इससे कड़वी नहीं बनेगी। तो नए आने वाले दोस्तों को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। हमने सबसे पहले पैन लिया है, पैन के अंदर ऑयल डाल लिया, ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमारे लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और इसके साथ ही नमक भी डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले कड़ी पाउडर, उसके बाद काली मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले अच्छे से भुनेंगे। और साथ ही ग्रीन चिली डालेंगे। हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें हमारी बॉयल की हुई मूली डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे।
हमारी अब मूली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें पालक डालेंगे। और साथ ही हम हीट को स्लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए डांप कर रखेंगे ताकि हमारी मूली, हमारी पालक स्टीम से पक जाए। ये देखिए, अब हमारी पालक और मूली ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पानी को खुश्क करेंगे और हीट को फिर हाई कर देंगे। अब हम अच्छे से इसका पानी खुश्क करेंगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। लो फ्रेंड्स, अब हमारी मूली पालक रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। लो फ्रेंड्स, अब हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसको एंजॉय करें रोटी के साथ, नान के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने भाई को दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।